क्या आपको जेक्वेरी सीखना चाहिए 2023 में? अगर 5 साल या 7 साल पहले अगर मुझसे ये क्वेश्चन पूछते तो मेरा आंसर डेफिनेटली हाँ होता, लेकिन इस बार ये आंसर सो सो है, मे बी है, या फिर एज अ यू नो साइड। मुझे पता नहीं है लोग आजकल जेक्वेरी इतना क्यों सीख रहे हैं। ओके, मतलब मेरे खुद के एनालिटिक्स देख के मैं देखता हूँ ना, मेरे इतने जेक्वेरी प्लेयर्स के व्यूज आते हैं और बाकी जो रिएक्ट वगैरह के हैं उसको रिव्यू नहीं आते। तो मैं सोचता हूँ इस बारे में कि लोग इतना क्यों सीख रहे हैं। थोड़ा बहुत रिसर्च करने के बाद पता चला कि यू नो जेक्वेरी में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, जिस वजह से एक्चुअली करंट फ्रेशर्स को बहुत सारे जॉब मिल रहे हैं, बिकॉज दे एक्चुअली आस्क लाइक आपको जेक्वेरी आता है क्या। सो दे स्टार्टेड लर्निंग, बिकॉज अभी भी इंडिया मार्केट में वो थोड़ा बहुत प्रेजेंस करता है, ठीक है। लेकिन डेफिनेटली गाइज, थोड़ा बहुत अगर आपको जॉब चाहिए तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत पढ़ लो, यू नो, बट एंड लाइक जेक्वेरी से आगे आप मूव ऑन नहीं कर सकते। जेक्वेरी का अपग्रेड वर्जन क्या है? कुछ नहीं है। जेक्वेरी एक बार आ गई, थोड़े बहुत ही मेथड्स है, थोड़े बहुत चीज़ें हैं, एक बार सीख गए तो उससे नेक्स्ट क्या, उससे नेक्स्ट लेवल कुछ नहीं बना सकते आप। आपको फ्रेमवर्क सीखना पड़ेगा, आपको रिएक्ट या फिर एंगुलर या फिर व्यू कुछ ना कुछ अलग करना ही पड़ेगा। विद जेक्वेरी यू कैन नॉट सर्वाइव। मैं जब 2011 की अगर मैं बात करूँ, तब मेरा जो यू नो फ्रंट एंड के लैंग्वेजेस के बारे में बात करते थे ना, तब वो सिर्फ HTML CSS JavaScript जेक्वेरी चार ही थे। लेकिन अगर आज आप बात करते हो कोई भी फ्रंट एंड डेवलपर की, फ्रंट एंड लैंग्वेज की नहीं, फ्रंट एंड डेवलपर की, तो हमेशा लगे HTML CSS JavaScript जेक्वेरी तो पता नहीं, लेकिन ये तीन तो है ही। लेकिन जब जेक्वेरी के साथ आपको रिएक्ट पूछते हैं, व्यू पूछते हैं या एंगुलर पूछते हैं, तो आप जेक्वेरी से कोई तीर नहीं मार सकते, और जो कि एक्चुअली अपग्रेड भी नहीं हो रहा है और बहुत सारे अलग अलग चीज़ों पर डाउनग्रेड भी हो रहा है, तो उसके साथ आपको ये भी करना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें मैंने जब रिसर्च करी तब मुझे पता चला कि वर्डप्रेस और बूटस्ट्रैप के जो वेबसाइट्स है वो बहुत बढ़ गए, और ये जो दो फ्रेमवर्क्स हैं वर्डप्रेस और बूटस्ट्रैप, ये इनबिल्ट जेक्वेरी प्रोवाइड करते हैं। तो इस वजह से अगर आप जाओ विकिपीडिया पे और जेक्वेरी की पॉपुलैरिटी चेक करो, तो भी वो दिन ब दिन बढ़ती हुई लगती है, और ऐसा लगता है कि नहीं, जेक्वेरी की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, ट्रेंड भी अच्छा है, तो हमें जेक्वेरी सीखना चाहिए। बट ये ऐसा सिचुएशन नहीं है, बिकॉज एक बोल्डर मूव जो बूटस्ट्रैप ने लिया है, बूटस्ट्रैप वर्जन 5 में दे हैव रिमूव्ड जेक्वेरी। ऑल्दो दे आर सेइंग कि उनके जो कंपोनेंट्स है वो जेक्वेरी के साथ सपोर्टेबल है, लेकिन उन्होंने क्लियरली बोल दिया कि जेक्वेरी हमारे बूटस्ट्रैप 5 वर्जन में जेक्वेरी नहीं है। तो अभी आप सोचो, जो फ्रेमवर्क 10 साल से डोमिनेट कर रहा है पूरे इंडस्ट्री को, वो सडनली आके जेक्वेरी हटा देता है उसके लेटेस्ट वर्जन में। तो ये सोचने वाली बात है ना, दिस इज टाइम टू मूव ऑन। अभी हमें जेक्वेरी को थोड़ा पीछे छोड़ना पड़ेगा। इट्स टाइम टू यू नो लर्न जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क, इट्स टाइम टू लर्न यू नो वेनिला जावास्क्रिप्ट, बेसिक जावास्क्रिप्ट। सोचने वाली बात है ना, वे दिस इज टाइम, दिस इज हाई टाइम कि आप रिएक्ट और व्यू या फिर एंगुलर पे स्विच करो। स्विच करने के लिए आपको जहाँ ज़्यादा दूर जाना नहीं है। अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हो, मेरे पास ऑलरेडी रिएक्ट का, जावास्क्रिप्ट का, कोर जावास्क्रिप्ट का और एक्सप्रेस का, बैकएंड का, नोड.js का सारे प्लेलिस्ट अवेलेबल हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में डाल के रखा है, और एक दो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे भी दिख जाएंगे। मैं मिलता हूँ ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग।